नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अरे नंबर था, आपने खुद गलत लगाया था। नहीं तो भैया, हमने नंबर ये लगाया था। रुकिए, लाइन पे रुकिए, फटाक से मैं ले रहा हूँ। हाँ सर, मैं चेतन मिश्रा समाज से बात कर रहा हूँ, लखनऊ से। अरे ये आपके फरुखाबाद बात है, बताइए अपनी प्रॉब्लम बताइए फटाक से। गेम साहब को सर, हेलो हेलो। जी नमस्ते सर। जी सर, मैं फरुखाबाद से बोल रहा हूँ। कतराना मोहल्ला सर, हमारी दादी की तबीयत नहीं सर, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। कल सर लोहिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई है। लोहिया ऑक्सीजन में 5 लोगों की डेथ हुई है। हमारे पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। L2 में ऑक्सीजन देर रात तक खत्म हो जाएगी, तो बड़ी समस्या है। अभी ऑक्सीजन आती सुनिए डीएम साहब, सुनिए हमारी बात। इनको आप सिलेंडर की व्यवस्था करा दीजिए, रिफिलिंग का। मैं यहाँ लखनऊ से बैठ करके मैं इंतजाम करवा रहा हूँ। आपको समझिंग नहीं आ रहा बात को, मैं कह रहा हूँ यहाँ ऑक्सीजन ना थोड़ी। आप कह रहे हैं सिलेंडर व्यवस्था करा दीजिए। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कहीं पे ऑक्सीजन और सिलेंडर कमी नहीं। आप किस हिसाब से बात कर रहे हैं? आप किस तरीके से, किस भाषा में बात कर रहे हैं पहले तो मुझे ये बताइए। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? आपकी शब्दावली, आपकी शब्दावली क्या है? इस तरीके से आप हड़का करके डांट करके जो बात कर रहे हैं मरीजों से, तो आपके फरुखाबाद के लोग कैसे, किससे आस लगाएंगे फिर? डीएम साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चेतन मिश्रा समाज से भी मेरा नाम है, मेरा फोन नंबर है, लिख लीजिए। और कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ फोन लगा के कॉन्फ्रेंस पे कराऊ आपकी बात। किस तरीके से आप बात कर रहे हैं मरीज से? हेलो भैया, हमें लगता फोन काट दिया। नहीं, फोन कॉन्फ्रेंस पे है। ये जो बदतमीजियां चल रही है ना डीएम साहब, ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल आप गलत व्यवहार कर रहे हो एक एक मरीज के साथ में। सर मैं इनकी शिकायत मुख्यमंत्री ऑफिस में करवा रहा हूँ, मैं भी करवा रहा हूँ सर। अब रिकॉर्डिंग अभी मैं भेज रहा हूँ उनकी अविनाश जी की टीम को, आपको भेज रहा हूँ रिकॉर्डिंग। डीएम साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हम यहाँ लखनऊ से बैठ करके आप ये मददगार लोग हमारे पास फोन कर रहे हैं कि हमको किसी चीज का पैसा मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग इस तरीके से व्यवहार करते हो कि मतलब सुन रहे हो फिर भी उसके बाद नहीं आप बात कर रहे हो। अगर इसकी माँ, इसका दादी अगर खत्म हुई ना, तो उसके जिम्मेदार आप हो गए। मैं आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा। डीएम साहब, लिख के रख लीजिए आप। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।